जीएसटी ऑन रेंट और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो पहले ही चेंज आ गया था, जिसकी वजह से अगर टेनेंट रजिस्टर्ड होता है जीएसटी में तो आरसीएम बेसिस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी ऑन कमर्शियल रेंट पे भी एक बड़ा चेंज आया है जो काफी डिस्कशन में है। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे जीएसटी एंड कमर्शियल रेंट इन इज ऑन फॉरवर्ड चार्ट बेसिस और रिवर्स चार्ट बेसिस। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर टेनेंट और ओनर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है बट ओनर रजिस्टर्ड है, ओनर रजिस्टर्ड भी है और वो सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ट बेसिस पे एप्लीकेबल हो गया। वहीं पे अगर दोनों टेनेंट और ओनर दोनों रजिस्टर्ड है, ओनर रजिस्टर्ड भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो उस पर फॉरवर्ड चार्ट बेसिस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अब बात करते हैं कि अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है बट ओनर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, पहले इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद इसमें चेंज आया है, अब जीएसटी अगर टेनेंट रजिस्टर है तो आरसीएम बेसिस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बड़ा चेंज आया है जो इफेक्टिव हो जाएगा शायद 1 अक्टूबर 2024 से, अभी नोटिफिकेशन इसकी जारी नहीं हुई है। जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी जीएसटी आरसीएम बेसिस पे एप्लीकेबल हो जाएगा अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है और ओनर रजिस्टर्ड नहीं है। इस केस में हमको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इनपुट मिलेगा कि नहीं। अगर आपका टेनेंट रजिस्टर्ड है और अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर है तो वो आरसीएम पे करेगा और इनपुट ले लेगा नॉर्मल टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर की तरह। वहीं पे अगर आपका जो टेनेंट है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम पे तो करना पड़ेगा बट वो इनपुट नहीं ले सकता क्योंकि वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में रेंट के अलावा जीएसटी उसका एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है कि अगर डायरेक्टली जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तो आरसीएम के थ्रू जीएसटी लगा दिया जाए। आई होप आई हैव रिजॉल्व लॉट ऑफ क्वेरीज टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।